बाहर से बहुत लोग हिंदी में वीडियो करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं एकदम हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा हंसिए। तो ये कौन सा किंग ऑफ चाकापात मैंगो है, फ्रूटिंग हो गया इसमें। हाँ, फ्रूटिंग हो गया। हाँ, अभी थोड़ा सा केयर करना है। ये वाह, बहुत सुंदर। ये सुबह शाम को और की वो एकदम 5-5:30 बजे तब एक बार 1 लीटर पानी में 1 ग्राम यूरिया लेके स्प्रे करना है, और अगला दिन सुबह 10 बजे की पहले पूरा प्लांट को पानी देके वो भिगाना है, पूरा नहाना है, मतलब पूरा नहला देना है। हाँ, नहाना देना। और पहले दिन स्प्रे करना है बस। हाँ, वो और मतलब ये फ्रूटिंग होने के बाद ही स्प्रे करना है। हाँ, ऐसे फ्रूटिंग जिसमें नहीं हुआ है उसमें नहीं करना, नहीं है ना करना है। अच्छा। हाँ, जब ये ऐसा साइज का जब होगा ना तब करना है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो 10 दिन बाद एक बार बोरोन यूज करना है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम बोरोन, वो भी स्प्रे करना है। हाँ, और सूरज डूबने की पहले करना है, मतलब शाम को करना है। शाम को करना है। अच्छा। जब वो सूरज की किरण नहीं रहेगा तब करना है। अब तो सनसेट। हाँ, और एक बात याद करके करना है कि जिस दिन यूज कर रहे हैं आप, उसके बाद सुबह पूरे पेड़ को अच्छे से, मतलब प्लांट को अच्छे से नहलाना है पानी से। तो जो स्प्रे करना है वो सिर्फ फ्रूट में करना है कि पूरे लीफ में, पूरे प्लांट में करना है उसको? अच्छा। और उसके 10 दिन बाद एक बार स्कम मिल्क जो होता है, स्कम मिल्क वो स्कम मिल्क 1 लीटर पानी में, ओनली 1 लीटर पानी में ओनली 25 ml वो स्कम मिल्क लेके इसको ऐसा करके ही वो स्प्रे करना है। अच्छा, सेम प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद ये कौन सा प्लांट है? ये भी वो किंग ऑफ चाकापात है। अच्छा, इस बार ये देखो, ये कलरिंग आ गया है, कलर आ गया ना। इस बार टेस्ट कर सकेंगे। हाँ हाँ, बहुत सारे फ्रूट्स आए हैं। वाह, छोटे छोटे भी हैं। ये साल में एक बार ही होता है? एक बार ही होता है। ये अमेरिकन रेड पल्मर। कौन सा वाला? हाँ, साइड वाला। ये प्लांट है। अच्छा, ये वाला प्लांट है। ये वाला, इसमें भी फ्रूटिंग आ गया पूरा, छोटा छोटा। बड़ा हुआ है क्या? ये तो ऐसा टाइप का हुआ। अच्छा। और एक काम करना है, जब ये जब फ्रूट आ जाएगा तब अच्छा करना है। जो ये जो मरा हुआ जो ये फ्लावर है वो झड़ जाएगा। ऐसा करना है। ओके। हाँ, ऐसा करना है। ये भी साल में एक बार? ये भी साल में एक बार होता है। ये प्लांट भी अमेरिकन रेड पल्मर है, लेकिन इसमें उतना फ्रूटिंग नहीं हुआ है। हो रहा है छोटा छोटा। ये R2E2 मैंगो है, इसमें भी थोड़ा फ्रूट आ गया है, सेट हुआ है। थोड़े दिन बाद फिर वीडियो करेंगे जब बड़ा हो जाएगा। और ये है हनी ड्यू। कौन सा? ये वाला हनी ड्यू। इसके अच्छा फ्रूटिंग हुआ है, सेट भी हो गया है, लेकिन कितना रहेगा यही क्वेश्चन है। हाफ से भी कम रहे तो भी बहुत ही रहेंगे। दो चार फ्रूट रहेगा तो वही अच्छा है टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए। ये जो काले काले जो क्या है, ये सब कौन काला सा? काला सब वो तो फ्लावर है ना, वो मर गया है। अच्छा। वो अभी निकल जाएगा, झर जाएगा। इसीलिए तो ऐसा करना है, नहीं तो फंगस आ जाएगा। तो इसको मतलब करने के लिए कोई स्प्रे करना है क्या? अभी वही सेम प्रोसेस तो करना ही है, वो फंगिसाइड
और इंसेक्टिसाइड एक साथ मिला के करना है। तो मैं कर दिया हूँ, अभी जो बताया हूँ वो फ्रूट सेट होने की बाद जो करना है वो मैं बताया हूँ। ये देखो रेड आइवरी कितना फ्रूट आया, थोड़ा फ्रूट बड़ा भी हो गया है इधर। कितना रहेगा ये तो नहीं जानता हूँ, दो एक रहेगा तो अच्छा है, रहेंगे बहुत सारी रहेंगे लग रहा है मुझे। ये एक साइड देखा रहा हूँ हम लोग, ये सभी जगह में ऐसा ही है एकदम इस साइड उस साइड। यह पर थोड़ा बड़ा हुआ है, ये देखो देखो ये इस साइड में है। ये सब हमारे मदर प्लांट्स है ना, मदर प्लांट्स है। ये भी रेड आइवरी का एक प्लांट है, नहीं 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 सॉरी ये चियांग माई का है, लेकिन लग रहा है तो एक ही। जब बड़ा होगा तब समझ में आएगा ना कि अलग अलग है कि एक ही है। ये कौन सा, ये है मियाजाकी, ये रेड रेड कलर आया इसमें, ये है मियाजाकी। मैं तो इस बार एक शायद बैंक ही फूल दे सकता हूँ इसका। एक किलो का वो बोलता है, एक वीडियो में देखा था, 275 रुपीस इसका एक किलो का प्राइस है। तो ये कितना है अभी, पूछ रहेगा तो मेरे को बैंक खोलना पड़ेगा। आप करोड़पति हो गए इसी में। तो दो एक प्लांट, दो एक रहेगा तो अच्छा होगा। बहुत ही है अच्छे फ्रूट सेट हुए इसमें। इसमें ये देखो, ये देखो ये है बनाना, इसको भी बहुत बहुत वो फ्रूटिंग हुआ है। कितना रहेगा ये बाद में देखा जाएगा, उस साइड ज़्यादा है। चलो उस साइड चलते हैं। हाँ चलो, कहाँ से जाना है ये ऐसे आओ। ये देखो बनाना का बहुत सेट हुआ है। बाद में कितना रहेगा वो नहीं पता। ए, इस साइड में ये मियाजाकी का है, ये थोड़ा बड़ा हुआ है, कलर आ गया है, रहेगा कि नहीं ये तो नहीं मालूम है। और इस साइड में फ्रूट सेट हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, इतना फ्रूट नहीं आया है, कोई छोटा छोटा है। हाँ ठीक है, बाद में और दिखाऊंगा। हाँ बस आज यहीं तक। हाँ आज यहीं तक। तो फिर आप एक और वीडियो बनाइए हिंदी में, ताकि बाकी लोगों को समझ में आए जिन लोगों को बंगाली नहीं आता। प्रॉब्लम है कि मैं हिंदी तो नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, आप जो बोलते हैं उनको समझ में आ जाएगा। अब मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, वो जो कमेंट आता है वो देख के तो मेरे को एकदम मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। बोलने वाले बोलते हैं पर जो चाहते हैं कि आप हिस्ट्री दे के भी वो कमेंट करता है। ठीक है, पर जिन लोग चाहते हैं कि आप हिंदी में करो, वो आपको अगर समझ जाए ना तो वही आपके लिए ठीक है कि आप समझा पा रहे हो उनको। ओके ओके, चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।